जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में जिनका भी वृद्धा पेंशन आ रहा है उनको बहुत ज़रूरी है मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दोनों अपडेट करवाना है वृद्धा पेंशन के पोर्टल के साइट पर। दोस्तों बहुत ज़रूरी है, नहीं करवाएंगे तो आपका पैसा जो है वृद्धा पेंशन का नहीं आएगा, तो आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जिनका भी बैंक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है या किसी अन्य बैंक है, यानी सबके लिए ये सूचनाएँ हैं, सबको करवाना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल आपको बताऊँगा पूर्वांचल ग्रामीण बैंक यानी जो अभी हाल ही में बड़ौदा ग्रामीण बैंक हुआ है, देखते हैं अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मोबाइल से। तो फिलहाल तो सबसे पहले हमको जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं चलता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, कोई एक ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। तो उसमें आपको टाइप कर देना है ssby-up.gov.in। तो चलते हैं, लिखते हैं। उसके बाद ये देखिए सबसे ऊपर आपका साइट खुल किया गया है, आपको यही टाइप कर देना है ssby-up.gov.in। फिलहाल दोस्तों मेरा ऊपर वाला साइट है, इसी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए मेरा साइट ओपन हो गया है। उसके बाद हम डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे, ये देखिए थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एक बार। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं, ये देखिए डेस्कटॉप साइट हो गया है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आपका जो वृद्धा पेंशन का पैसा आता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें उसमें डालना रहता है। तो फिलहाल आप कैसे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले दिखाता हूँ कैसे निकाला जाता है, उसके बाद मैं फिर अपडेट करूँगा। तो सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ देखिए वृद्धा पेंशन दिया है, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। देखिए नीचे दे रहा है योजना के विषय में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए दिया है 5 लाइनों में दिया है 2021 और 22, यानी हमको वृद्धा पेंशन प्राप्त करना है 2021 और 22 का। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखिए थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, यानी कि जनपद दे रहा है तो आप अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे जो भी रहेगा। ब्लॉक दिया है यानी विकास खंड है, तो आपको अपना ब्लॉक चुनना है जो भी है। तो मैं फिलहाल अपना ब्लॉक चुन लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए आपका ग्राम सभा आ गया है, आप जिस गाँव के हैं वो अपना गाँव चुनेंगे, जो भी आपका गाँव है वो अपना ग्राम सही सही चुनेंगे। उसके बाद ये देखिए आपका जो है 2021 और 22 का आपको यहाँ से एक फ़ायदा और हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पेंशन चेक भी हो जाता है, ये देखिए आप चेक भी कर सकते हैं। 2021 में आपका चौथा किस्त आ गया है, तो आप चौथा किस्त यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मैं चौथे पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ कितना पैसा आया है चौथा किस्त। ये देखिए 3,000 रुपये आया है चौथा किस्त, तो आपको इसी तरह से चेक कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या दिया हुआ है, तो यही आपको यही रजिस्ट्रेशन संख्या यानी कि नोट कर लेना है या कॉपी कर लेना है, फिलहाल तभी आप कर सकते हैं अपडेट। तो मैं अपना देखता हूँ मेरा क्या है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये देखिए कॉल कॉपी शेयर सेलेक्ट ऑल, तो हमें कॉपी करना है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी हो गया, उसके बाद सीधा हम चले जाएँगे बैक, आपको जल्द से जल्द बैक चले जाना है। उसके बाद ये देखिए थोड़ा हम कम करते हैं जूम को, ये देखिए दिया है पुराने आवेदन पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें, तीनों में से आप जिस पेंशन को पाते हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं फिलहाल ओल्ड पेंशन पे करता हूँ। उसके बाद ये देखिए बैंक अकाउंट डालिएगा जो भी रहेगा, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वही कॉपी कर लेना है, आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। ये देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है। उसके बाद यहाँ न्यू मोबाइल नंबर डालना है जो आपको अपडेट करना है इसमें, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद डालने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है, उसके बाद एक OTP आएगा इसमें डालना रहेगा, तो चलते हैं सेंड करते हैं। दोस्तों ये देखिए मैं जैसे पूर्वांचल बैंक का अकाउंट नंबर डाल दे रहा हूँ, यहाँ से गायब हो जा रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं आ रहा है। सेंड OTP पे जैसे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी पूर्वांचल ग्रामीण बैंक वालों का नहीं हो रहा है। दोस्तों यदि आपका दूसरा कोई बैंक है तो आप इसी तरह से करिएगा, हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा हो गया है, यदि नहीं हो रहा है तब भी बताइएगा। उसके बाद मैंने आपको दिखाया पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का मेरा अकाउंट था, हमने किया लेकिन हो नहीं रहा है। यदि आपका भी हो जाता है किसी तरह से तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगला वीडियो इसके बारे में बताऊँगा डिटेल से, तो आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद।